हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसे अगर आप समर में बना के रखेंगे जिससे आप आइसक्रीम, शरबत, शेक और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट क्रश, फिर इसी से हम बनाएंगे लस्सी, आइसक्रीम और शेक। और भी बहुत सारी रेसिपीज इससे बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं मिक्स फ्रूट क्रश कैसे बनाते हैं। ये है मिक्स फ्रूट क्रश के इंग्रेडिएंट। इसमें आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मिक्स फ्रूट क्रश बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी, अनार और अंगूर लिया है। आप चाहे तो पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पपाया, चीकू और भी आपके कोई भी मनपसंद फ्रूट्स ले सकते हैं। इन्हें ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और छान लीजिए। फिर इसमें मिला दीजिए चीनी और गैस पे गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसे लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे समझ लीजिए कुक हो गया है। इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं। बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में 2 महीने तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अगर आप इसे 6 महीने तक अच्छा रखना चाहते हैं, फ्रिज के बाहर 1 पिंच सोडियम बेंजोएट और 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल दीजिए, ये खराब नहीं होगा। लास्ट में डालना है, मैं इसमें 2 से 3 बूंद डाल रही हूँ मिक्स फ्रूट एसेंस, ये भी डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो। नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं और वनीला एसेंस डाल सकते हैं। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए और क्लीन जार में भर के रख लीजिए। इसे आप 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसे 6 महीने तक स्टोर करना है तो सोडियम बेंजोएट और साइट्रिक एसिड डालना है। देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद में। चलिए अब इससे हम अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं। चलिए इसी मिक्स फ्रूट क्रश से हम बनाते हैं टेस्टी सॉफ्ट आइसक्रीम। बाउल में 1 कप हैवी व्हिप क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम ले लीजिए। ये क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज में 24 घंटे रखने के बाद ही यूज़ कीजिए। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर हैंड विस्क से बीट कर लीजिए। जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए इसमें डाल दीजिए मिक्स फ्रूट क्रश। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये ऑलरेडी मीठी है। इसी हिसाब से इसमें डालना है कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा दूध और फिर से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए टूटी फ्रूटी या फिर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में सेट होने के लिए 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। 8 घंटे के बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छी सेट हो गई है। चलिए इसे निकाल के देखते हैं। वाओ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब सर्व कीजिए टेस्टी मिक्स फ्रूट क्रश आइसक्रीम। चलिए अब हम बनाते हैं मिक्स फ्रूट क्रश लस्सी और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस लस्सी में मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। एक बाउल में ले लीजिए ठंडा दही, इसमें डाल दीजिए घर की दूध की फ्रेश मलाई, मिक्स फ्रूट क्रश, इसमें मैंने ऑलरेडी मिक्स फ्रूट एसेंस डाला है तो अलग से एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने नहीं डाला है तो आप इस समय इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस या फिर वनीला एसेंस डाल सकते हैं। अब इसे हैंड विस्क से बीट कर लीजिए, फेंट लीजिए, अच्छे से फेंट लेना है। इसे आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, पर हाथ से फेंटी हुई लस्सी ज़्यादा टेस्टी लगती है और गाढ़ी बनती है। देखिए ये तैयार हो गई है। इसे हम इस तरह से मिक्स फ्रूट क्रश से डेकोरेट कर लेंगे ग्लास को। आप इसे अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद आप इसमें सर्व कीजिए लस्सी। इस लस्सी को ऊपर से गार्निश करने के लिए आप इस पे आइसक्रीम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मिक्स फ्रूट क्रश आइसक्रीम ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाल दीजिए मिक्स फ्रूट क्रश। वाओ, देखिए लस्सी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, वैसे ही ये पीने में भी है। चलिए अब हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट क्रश शेक। एक जार लीजिए, इसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए, साथ ही इसमें ठंडा दूध या फिर फ्रोजन मिल्क भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रोजन मिल्क भी डाला है और थोड़ा सा ठंडा दूध भी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे मिक्स फ्रूट एसेंस। अब बस इसे ब्लेंड कर लेना है।
हैंड ब्लेंडर से या फिर आप इसे मिक्सी के ब्लेंडर वाले जार में या फिर जूसर वाले जार में भी बना सकते हैं। देखिए ये तैयार हो गया है। ब्लेंड करते समय अगर आप हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं तो इसे ऊपर नीचे करेंगे तो इस शेक में बहुत अच्छा झाग तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आप शेक बना रहे हैं कोई भी हैंड ब्लेंडर से तो इस टाइप से कीजिए, शेक बहुत अच्छा बनता है। ये एक एक्स्ट्रा टिप है। चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए इसमें कितना सारा झाग है। ऊपर से डाल दीजिए आइसक्रीम और मिक्स फ्रूट क्रश। आप इस मिक्स फ्रूट क्रश से रिपल आइसक्रीम भी बना सकते हैं। रिपल आइसक्रीम की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आप इस मिक्स फ्रूट क्रश को बनाइए और मेहमानों के आने पे आप तुरंत ही इससे लस्सी और शेक तो बना के सर्व कर ही सकते हैं और आइसक्रीम बना के भी रख सकते हैं। इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन देना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।